देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी नागरिक संशोधन बिल पास हो चुका है। 117 मतों से हुए इस बिल को जिस तरीके से पाक नागरिक देख रहे हैं, पाक हिंदू नागरिक जो हमारे साथ में है, विस्थापित लोग, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार इन सब के सामने दिखाएं कि कितनी खुशी की लहर है इन सब के सामने। इन सब लोगों ने हाथ में भारत की झंडियाँ ले रखी है, सभी लोग मोदी के नारे लगा रहे हैं, मोदी सरकार की जय हो, अमित शाह की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। और सब लोगों में आज खुशी का माहौल है, इस तरीके का खुशी का माहौल है कि जिस तरीके से दीपावली आज हो, मैंने यहाँ पे आकर के देखा इनके पूरे क्षेत्र में, भूरी बेरी ये क्षेत्र है, जिस जगह पे काली बेरी ये क्षेत्र है, ये पूरा इन नागरिकों से भरा हुआ है। 20 साल काट दिए 85 साल के जोगाराम जी ने, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद आज इनके दिल में कितनी खुशी है ये जानने के लिए हम इनकी कॉलोनी में पहुंचे हैं जो कि जोधपुर से काफ़ी दूर है। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे आए हुए और कितने चक्कर काटे हैं कोर्ट के, कचहरी के, नागरिकता के लिए, और आज ये बिल आपको पास हो चुका है, अब कैसा लग रहा है आप? तो आज तो भाई बहुत खुशी होगी, 19 साल हो गया आए नेट भारत में, 19 साल हाँ, मैं तो कितना ही कचहरी में को नागरिकता वास्ते जुलूस काट दिया, ये जयपुर रहा, दिल्ली रहा, बीकानेर रहा, जोधपुर में तो दिल्ली होता ही, वहाँ पे घट करके रह गए हैं ओनली 2-3%, क्योंकि वहाँ पे धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो करके कई लोगों ने तो उनकी उनकी जो ये दबाव के अंदर आकर के धर्म परिवर्तन किया, लेकिन कई लोग जो हैं वहाँ से पलायन करके समय समय पर भारत आते रहे, उसमें हम भी शामिल हैं। तो हम तो आज से 25 साल पहले आए थे, लेकिन आज जो ये फैसला हुआ है नागरिकता संशोधन बिल का, ये मैं कहता हूँ कि ये 70 साल के अंदर बहुत ऐतिहासिक फैसला हुआ है। कितने सारे लोगों ने इस उत्पीड़न को झेला है, कितनी बहन बेटियों ने धर्म परिवर्तन करवा दिया? हमारे को वहाँ बहन बेटियों के जो थे, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आज भी वो उसकी बच्चियों को किडनैप करके धर्म वर्धन करा जाता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उसको भी वो धर्म अपने पे इस्लामिक पढ़ाई करते हैं, वो उसको कलमा पढ़वाते हैं जो अपने धर्म के हिसाब से नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पीड़ित होकर अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पाए। यहाँ आके हम जाएंगे, हम हिंदुस्तान में अपना वहाँ अपना धर्म वर्तन होगा, धर्म के अब बच्चों को धर्म में शिक्षा देंगे पढ़ाई के लिए, और अपने बच्चियों को भी पढ़ाएंगे। ये कोशिश चाहते हैं, हमें पहले दुखों के मारे हैं, अब मजदूरी कर पेट बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं, पासपोर्ट अभी नए बनवाने पे पैसा लगता है, हम कहाँ दिल्ली जाए, कहाँ रिन्यू करवाए, किसको पैसे दे, कहाँ से पैसे लाए, इस बात की हमें बहुत भी समस्या है। हमारे गरीब, हम गरीब परिवार के हैं, घर घर बच्चे यही रोते हैं, अभी हम पासपोर्ट के पैसे कहाँ से लाए, रिन्यू कहाँ से करवाए, कहाँ से बनवाए। जिस तरीके से भगवान राम को वनवास के बाद में दीपावली मनाई गई थी, जितनी बड़ी खुशी थी, आज उससे भी ज़्यादा बड़ी खुशी का दिन है इन लोगों के लिए, क्योंकि नागरिकता बिल पास हो चुका है। जोधपुर से नवीन दत्त।